हेलो दोस्तों, अब हम अपनी थर्ड वीडियो शुरू करते हैं, मतलब थर्ड पार्ट शुरू करते हैं उसी वीडियो का। सेकंड पार्ट में हमने इसी डांस तक वीडियो दिखाई थी और अब इस वीडियो की शुरुआत भी इसी डांस से करते हैं और इससे आगे अब हम आपको दिखाते हैं अपनी आगे की जर्नी। तो ये थर्ड पार्ट है दोस्तों हमारे वीडियो का। अगर आपने पहली पुरानी दो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से जाके देख लीजिए, आपको ऊपर यहाँ पर लिंक पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आगे की जर्नी। सारे गलत कामों में मेरे दोनों ही हाथ, आंटी पुलिस से बुला के नाचे पुलिस के साथ, आंटी पुलिस से बुला के नाचे पुलिस के साथ। दोस्तों अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों अब हम मुंशहरी से वापसी कर रहे हैं और आगे जाके हमें अब बिरथी फॉल मिलेगा, जिसको हम रात में छोड़ आए थे रास्ते पे। आप लोग देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाई में हैं दोस्तों। अभी सामने का नज़ारा देखते ही पता चलता है, सारे पहाड़ इतने हमारे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं लेवल में। क्या नज़ारा है यहाँ से, आप देख सकते हैं इस पहाड़ का। तो इतनी ऊंचाई में हमें आना पड़ता है मुंशहरी अगर आपको पहुँचना है तो। अभी हम जब वापसी कर रहे हैं तो इसी पहाड़ के जड़ में हमें वापस जाना है और वहीं से आगे हम जाएंगे। तो इतने ऊंचाई पे हम हैं अभी, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर नज़ारा आ रहा है। पहुंच चुके हैं यहाँ पर बिरथी फॉल पे और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं बिरथी फॉल यहाँ पर, ये इतना बहुत बड़ा फॉल है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। काफ़ी ऊपर से यहाँ पर बह रहा है पानी और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे दोस्त लोग भी आ चुके हैं थोड़ा सा मज़े लेते हुए। और सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, काफ़ी एक्साइटमेंट है सभी हमारे मित्रों को इस फॉल के लिए। ये आइए आइए, आप भी आइए। तो अभी मैं आपको यहाँ की वीडियो बना के दिखाऊंगा और ये देखिए काफ़ी सारा एक्साइटमेंट है यहाँ पर सभी को, बहुत ही बड़ा फॉल है जैसा कि हमारे पीछे आ रहा है। हमने गाने भी लगाए हुए हैं, यह है बिरथी फॉल, आप देख सकते हैं काफी सारे पर्यटक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बिरथी फॉल काफी लोग नीचे भी गए हुए हैं, शायद अलाउड है नहीं वहाँ पे, लेकिन जाएंगे वहाँ पे और यहाँ की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पूरे गाने वाने लेके चल रहे हैं हम साथ में, पूरे मौज मस्ती के साथ। और नीचे उतर चुके हैं हम झरने पे यहाँ पर, ये खतरनाक यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या फॉल है ये, इतना लंबा। ओहो मजा आ गया इसमें तो। जोश में आ चुके हैं यहाँ पर दीपक भाई के गाने के साथ, ये देख सकते हैं आप सारे के सारे बड़े जोश में हैं और दीपक भाई ने मजे ले लिए पूरे के पूरे और सारे लोगों को जोश दिला दिया है यहाँ पर बिरथी फॉल में ये।
क्या बिगाड़े भाई तुम जो महाकाल का और हमने यहाँ पर फुल टॉय एंजॉय करा है पूरे बर्थ हॉल पे। सब लोग यहाँ पर दीपक भाई ने यहाँ पर काफी एंजॉय करवाया सारे लोगों को, सबको फेस्ट का मजा आया। और ये गौरव भाई कह रहे हैं कि हमने सबको नचवाया है, तो एक बहुत बढ़िया माहौल रहा है। एक लास्ट दृश्य, एक लास्ट दृश्य जाते जाते मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लौटे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आइए पंकज जी आओ, ये देखो पंकज जोशी जी यहाँ पर ये भी बहुत मजे कर रहे हैं। ये हमारे भाई लोग सब आ चुके हैं पूरा एंजॉय करके। ये देखिए सारे के सारे अब हमारे गाड़ी की तरफ चलते हुए। भाई साहब जाने भाई बहुत थक गए हैं। तो अब कौसानी पहुंचना है, तो अब हम चलते हैं यहाँ से बिर्थी फॉल से। ये देख सकते हैं आप बिर्थी फॉल जो कहते हैं, बहुत फेमस है यहाँ का मुंशहरी का। हमारे साथ एक स्थानीय हमारे जानकार हैं जिनकी दुकान यहाँ पर सामने ही है। हमने यहाँ पर मैगी पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर मैगी वगैरह या फिर कुछ भी नाश्ता पानी कर सकते हो। कमेंट्री करेंगे आप, तो यहाँ पर आप इनसे एक सवाल पूछा जाएगा हमारे। कमेंट्री करेंगे गौरव ब्रजवासी आप। तो ये है बिर्थी फॉल है, ये काफी शानदार। अभी यहाँ पर्यटक बहुत सारा पर्यटक घूम रहा है, आप देख सकते हैं नीचे नीचे तक घूम रहा है। तो हमने स्थानीय हमारे जानने वाले मिले, हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये कब से शुरू हुआ है सर, पर्यटक कब से आ रहे हैं यहाँ? ये सर अभी 4-5 सालों से कुछ ये हो रहा है। हाँ। जब से नेट में गया, नेट में गया, उससे पहले तो इसको कोई पूछता भी नहीं था, कोई आता भी नहीं था। ये जो जानने वाली बात है ये है मेन, इसका मतलब यहाँ पर जो ये मैं ये चाय पानी कर रहा हूँ 20-25 सालों से बंद था। बंद अभी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी हो जाएगी, ये आपने बहुत सही समझा। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, अभी लॉकडाउन होने के बाद तो ये कोरोना जो आया उससे आपके कारोबार में क्या इफेक्ट पड़ा है, और अभी टूरिज्म में कितना है यहाँ पे? बहुत इफेक्ट पड़ा, कोई भी नहीं आ रहा है। और आजकल ये अगले महीने से थोड़ा बहुत 2-4, 8-10 लोग आ रहे हैं ऊपर। हाँ वो 31st के टाइम पे आ रहे हैं। तो गाइस हम आपको दिखाएं यहाँ पर बीहड़ इलाके से अलावा और कुछ नहीं था। हाँ कुछ नहीं है दादा, भेहो से अलावा कुछ नहीं है। बोल रहे हैं पहाड़ी भाषा का भेहो होता है, बीहड़ बोला जाता है। तो ये है अपना बिर्थी फॉल, और ये हम दादी के साथ रुके हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर जरूर एक बार विजिट करिए। ये मुंशहरी पे आप जाएंगे तो उससे पहले आपको 35 किलोमीटर पहले पड़ेगा आपको ये फॉल। और अगर आप जब ये फॉल देखने आएंगे तो थोड़ा ऊपर आइए, मेन जो नीचे यहाँ पर दुकानें हैं उससे ऊपर आइए। ये भाई साहब हमारे साथ हैं, इनके यहाँ पर आप मैगी चाय पानी कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी आप आओ, कभी भी होटल में सही रेट में, कभी भी यहाँ पर कोई भी ठगी यहाँ पर नहीं होती है। आपको आना है और बिर्थी फॉल के पास ही अपने छोटे भैया की दुकान है। और तो और आपको सही जानकारी जो भी है इस फॉल के बारे में ये पूरी जानकारी दे सकते हैं। अभी जानकारी लेनी है, और हम भी कौसानी को जा रहे हैं इसलिए हम भी अभी लास्ट ट्रिप कर रहे हैं। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे आते रहेंगे ऐसे ही। हमारा संस्कृति उत्तराखंड चलते रहे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय जय। तो आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करिए, मैं भी कहूँगा अपने यूट्यूब के माध्यम से कि इस पर आप जरूर एक बार विजिट करिए, और इन भाई साहब के पास जरूर आइए जिनकी रोजी रोटी इसी पे डिपेंड है, एक ये फॉल के ऊपर। एक चीज मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, यहाँ पर भाई साहब हमारे तिमूर भी बेचते हैं जिसको तुमर भी कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि हमारे ये मुंह की सफाई के लिए या कोलगेट में कहीं भी यूज हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये है तिमूर। तो ये भी आपको यहाँ पर सही रेट में मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आकर ले सकते हैं। तो हम अब यहाँ से बिर्थी फॉल से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से रास्ता आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर काफी चढ़ाई है आते वक्त, लेकिन जाते वक्त उतना ही डाउन भी है। बहुत मजा आता है यहाँ पर आके, काफी अच्छा भी। और ये ट्रैक से आप देख सकते हैं, ये पुल देख सकते हैं आप, और यहाँ से हम अब कौसानी के लिए जाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं जंगल में क्या घनी यहाँ पर आग लगी हुई है, देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है। ये यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा लगाई जाती है ताकि यहाँ पर नई घास उग जाए और बारिश भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं क्या नजारा है यहाँ पर, ये देखिए सामने से आप, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है यहाँ पर। लेकिन ये आग लगाना अच्छी बात तो है नहीं वैसे,
लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि तभी नई घास आएगी और थोड़ी बारिश भी हो पाएगी। प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही है वो। हमारे साथीगढ़ कह रहे हैं कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से सही है, बहुत सही है वो। हेलो दोस्तों, रात में हम पहुंच चुके थे पौसानी और उधरपुर रीजन, देख सकते हैं आप, और अभी आराम करेंगे, काफी ठंडा है यहाँ पे। सुबह के बाद पौसानी का व्यू दिखाएंगे आपको चलते चलते, और कल हमारी घर वापसी भी होगी। दोस्तों मिलते हैं नए साल में।